थाना तिवारीपुर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराकर ठगी करने वाले एक गिरोह के 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त शुभम पांडे पुत्र कृष्ण शंकर पांडे निवासी E26 शिवपुर शाहबाजगंज थाना गुलहरिया का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने बैंकों के कुटरचित दस्तावेज बरामद किए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CEO कोतवाली VP सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त कुटरचित दस्तावेज तैयार करके बैंक अकाउंट खुलवाते थे और अकाउंट से रुपए उड़ा देते थे। इनके गिरोह के एक अन्य सदस्य भी जेल जा चुके हैं। CEO कोतवाली VP सिंह ने बताया। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके करीब 5 से 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई है और इस शुभम पांडे कृष्ण कुमार पांडे गुलरिया कराने वाला है। गुलरिया थाने से भी इसके पूर्व जेल जा चुका है। इसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये के इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया था। स्वाट टीम और थाना तिवारीपुर की पुलिस ने मिलकर के इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। इनका एक गिरोह है, गिरोह के और सदस्यों का भी पता लगाया जा रहा है। इनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी। इसके और साथी अभी भागे हुए हैं और कुछ साथी पकड़े भी गए हैं और मुकदमों में जेल जा चुके हैं। जैसे जैसे प्रकाश में आ रहा है, इनका एक बड़ा गिरोह है, उस गिरोह से संबंधित जितने भी लोग होंगे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी होगी। कैसे करते हैं ये? विश्वास में लेकर के, टेलीफोन से बात करके, और इनका खुद का एक अपना सिस्टम है कि विभिन्न नंबरों पर टेलीफोन करके जब देखते हैं कि इस खाते में पैसा है तो उसके हिसाब से वो अपना ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। बैंक खाते पर जो नंबर लिखे हुए हैं, जिन खातों पर है, उन पर इनका ऑनलाइन सिस्टम से वो जानकारी कर लेते हैं। जानकारी करने के बाद वो ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। अभी तक कितने ठगी मामला है? अरे बहुत से लोग ठगे गए हैं, जैसा कि ये बता रहा है कि 5 से 7 करोड़ रुपए अब तक विभिन्न खातों में जा चुके हैं और उन खातों से इसने भी काफ़ी लाभ प्राप्त किया है और सदस्य भी लाभ प्राप्त किए हैं और पूरे प्रकरण की विवेचना हो रही है और जैसे ही अन्य लोगों की संलिप्तता, उनकी संदिग्धता प्रकाश में आएगी वैसे ही कार्रवाई की जाएगी।